कितनी ही गर्मी के बाद इन बादलों ने दस्तक दी और अच्छी खारी खासी बारिश हो गई है। तो सारे प्लांट्स देखिए नहा धोकर चकाचक बन के तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं छत पे इसलिए आई हूँ कि कुछ गमलों में पानी भर गया है, तो बारिश में ये काम आप लोग ज़रूर करिए, नहीं तो इसकी वजह से जब अभी कहने का मतलब कि जहाँ अभी तक गर्मी की और सूखे की वजह से प्लांट मर रहे थे, और अगर वो काम नहीं हम करेंगे तो पानी की वजह से मर जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये मेरे हाथ में ये स्क्रू ड्राइवर देख रहे हैं, पेचकस, तो आप कोई भी ऐसे नुकीली चीज़ ले लीजिए और देखिए गमले में पानी भर गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका ड्रेनेज होल जो है वो मतलब बंद पड़ गया है, बंद हो गया है। तो इसको अब हम कैसे सही करेंगे, तो अभी क्या करें, अगर बहुत बारिश हो रही है तो अपने गमले को ऐसे तिरछा करके, इस तरीके से तिरछा करके, और इसके नीचे कोई इस टाइप में या कोई भी पत्थर वगैरह का टुकड़ा रख दीजिए ताकि इस तरीके से गमला हो जाए टेढ़ा, ऐसे तो पानी निकलता रहेगा। और बारिश बंद होने के बाद उसको क्या करिए, ऐसे पलट दीजिए, ऐसे ऐसे पलट दीजिए, और इसका जो ड्रेनेज होल है जैसे कि ये, इसको पेचकस की हेल्प से या कोई भी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसको इस तरीके से इसका होल जो है खोल दीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकलना है वो निकल जाएगा, नहीं तो पानी रुके रहने की वजह से प्लांट आपका सड़ जाएगा, गल जाएगा। ये देखिए, और इसको भी ऐसे थोड़ा मिट्टी में भी ऐसे कर दीजिए ताकि जो पानी है वो निकल जाए। हालांकि इसकी तो फिर ये चीज़ तो ख़राबी हो रही है, लेकिन ये ठीक हो रहा है, ये प्लांट मेरा, ये प्लांट मेरा ठीक हो रहा है। और बाकी काफ़ी हद तक मैंने ड्रेनेज होल ठीक कर रखा है। ये देखिए प्लांट्स कैसे झुक गया है, ये इस तरीके से ये झुका हुआ है, इसको बाद में सही करूँगी अब मैं। बाकी सब देखिए किसी में नहीं रुका हुआ है, कुछ एक आध में रुका हुआ है तो जो मैं सही कर दूँगी। ये देखिए सब ठीक चल रहे हैं, इनका ड्रेनेज होल सबका काफ़ी अच्छा है, और मिट्टी भी काफ़ी पोरस बनी हुई है। इसीलिए कहते हैं कि मिट्टी भी, अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है, ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है, आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो उसमें बालू ज़रूर मिलाइए। बालू मिट्टी, बालू होने से क्या होता है कि मिट्टी पोरस बनती है और उसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है, और वो पानी भी ड्रेन आउट होता रहता है, जितना पानी एक्स्ट्रा होता है वो सब निकल जाता है। ये देखिए इस तरीके से ड्रेनेज होल खोल दीजिए। इसलिए ज़्यादातर मैं अपने गमलों में ठिकरी रखना पसंद नहीं करती हूँ, घर का जो कूड़ा कचरा, घर का क्या, छत का जो ये पत्तियाँ वगैरह गिरी होती है वही मैं इसके तले में डाल देती हूँ, इसका ड्रेनेज होल कवर करने के लिए, ताकि ऐसे मतलब मौसम में इसको हम अच्छे से इसका ड्रेनेज होल खोल सके। तो ये देखिए अब इसको मैं थोड़ा, इसको अभी कुछ ही दिन पहले ही मैंने रिपोर्ट किया था, ये देखिए अब मैं थोड़ा इसको ऐसे कर दूँगी, मिट्टी में मार दूँगी ताकि पानी जो है वो आराम से नीचे चला जाए और निकल जाए ड्रेनेज होल के रास्ते से। ये देखिए बाकी सब ठीक चल रहे हैं, ये देखिए, और जो ये खाली गमले पड़े इनका भी वो देखिए, मिट्टी भी पोरस है और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा है, इसमें भी पानी बिल्कुल रुका नहीं है जितना बारिश हुआ है, और ये पानी स्टोर हो गया है, जिन पौधों में पानी नहीं डला होगा उसमें मैं डाल दूँगी। अभी ये देखिए इसका प्लांट है, ये साइप्रस वाइन, ये देखिए इसमें भी ड्रेनेज होल ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि ऐसे जो है ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए इसको मैं सही करूँगी, बारिश के मौसम में ऐसी करिए आप, क्योंकि गर्मी से धूप से प्लांट तो मरते ही मरते हैं, और उसका ऑप्शन है कि हम पानी वानी डालते रहें, लेकिन बारिश के वजह से भी प्लांट मर जाते हैं, अधिक पानी वगैरह होने की वजह से। अगर बहुत बारिश हो रही है तो मैं फिर बता रही हूँ, उसको ऐसे टेढ़ा करके नीचे ठिकरी लगा दीजिए इस तरीके से, और यदि हम फिर उसके बाद जब मौसम सही हो, बारिश रुके, पूरे दिन तो बरसात होगी नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकेगी ही रुकेगी, तो इसको आप इस तरीके से ठीक कर दीजिए। इसको मैं अभी ठीक करती हूँ, हाथ धो लिया, अब मैं यही करने छत पे आई हूँ क्योंकि बारिश रुका हुआ है। और ये देखिए इसमें भी पानी, इसका भी ड्रेनेज सिस्टम अभी भी देखा था मैंने, पानी भरा हुआ था, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है और सारा पानी ये ड्रेन आउट हो गया है। बाकी सभी प्लांट का देख लेते हैं, ये देखिए इसका रुका हुआ है पानी, ये इसको भी ठीक करूँगी मैं, रुकिए इसको ऊपर करके ही ठीक करती हूँ मैं। हालांकि मैंने बना बहुत सारे रखे हैं ड्रेनेज सिस्टम, जैसे इस तरीके से आप किसी ऊंचाई पे भी रख दीजिए, ऐसे प्लांट जैसे तसले वगैरह में लगे हो ना, तो उनको ऊंचाई पर रख के इस तरीके से ऊंचाई पर रख के आप रख कर दीजिए। देखिए पानी टपकना चालू हो गया,
ये देखिए, हालांकि कई सारे मैंने इसमें डाल रखे हैं, ड्रेनेज होल कर रखे हैं मैंने। ये देखिए ऐसे, और ऊपर से भी इसमें ऐसे होल कर दीजिए ताकि पानी जो है वो नीचे चला जाए और ड्रेनेज सिस्टम से बाहर आ जाए। ये देखिए, ऐसे पौधे हमारे सारे ख़राब हो जाएंगे। और इसका भी देखिए कितना अच्छा है, पॉली बैग में भी अच्छा मैंने बना रखा है। देखिए एकदम से सब निकल गया पानी, अभी कितना पानी भरा हुआ था। और देख लेते हैं बाकी, इसको मैंने खाली कर लिया, ऐसे मनी प्लांट का पौधा लगाऊंगी मैं। और ये धुल गया है बारिश की वजह से, लेकिन इसको ऐसे छोड़ दूंगी, थोड़ा हवा लग जाए और धूप वगैरह हो तो धूप वगैरह भी लग जाए इसमें। बाकी सब मेरे पौधे ठीक चल रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा मिर्च का प्लांट, ये भी लुढ़क रहा है, इसको भी सही करूँगी अभी मैं। जो प्लांट लुढ़क रहे हैं उनको मैं सही करूँगी और मिट्टी डाल के इसमें दबा दूँगी इसको, और चाहे लकड़ी वगैरह का सहारा दे दूँगी मैं इसमें। देखिए मैंने पुदीना ग्रो कर लिया है, इसमें से कटिंग लेकर थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने ग्रो कर लिया, इतने से बहुत हो जाएगा। आप भी चाहे तो इसमें मार्केट में पुदीना आने लगा है, उसकी छोटी छोटी डंडी ला के इसमें ग्रो कर लीजिए, या फिर लाते ही होंगे चटनी वगैरह के लिए लाते होंगे, शरबत वगैरह के लिए लाते होंगे, तो उसकी जो डंडी है मतलब उसकी पत्तियों को तोड़ लीजिए, अपना यूज़ कर लीजिए, जो डंडी है उसमें लगा दीजिए, ईजिली लग जाएगा। हालांकि मैंने पुदीने पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो देख सकते हैं वो वीडियो। ये देखिए अब इतने से हो जाएगा, ये तो धूप की वजह से पूरा पुदीना मर गया था, मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को दिखा रखा है। बाकी ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर भी सबका ठीक है, बाकी सारे प्लांट खुश हैं, सब अच्छे हैं। अब इसके बाद में रिपोर्टिंग धीरे धीरे करती रहूँगी। बाकी इस नींबू के प्लांट में देखिए कितने फूल, मतलब ये बर्ड्स आ रही हैं। ये देखिए दो ये फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे बर्ड्स आ रही हैं। ये अब ये भी अच्छा ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ये भी सूख सा रहा था। ये देखिए ये बहुत बर्ड आ रही हैं, बहुत छोटी 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 बहुत सी हैं इसमें। ये देखिए इसमें कितने सारे फ्लावर खिले हुए थे, लेकिन बारिश की वजह से सब ये भीग गए हैं। धूप भी नहीं हुई तो ये आधे अधूरे से, मतलब इसमें बर्ड जो है आधे अधूरे से बन के रह से गए, और बारिश की वजह से ये सब भीग गए हैं। ये देखिए, तो बस मैं यही बताने के लिए मतलब ये वीडियो मैंने बनाया है कि बारिश से पहले आप सारे ड्रेनेज होल को अपने गमलों का जो है वो चेक कर लीजिए, और अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो बारिश होने के बाद पता चल जाता है कि किसमें पानी रुक रहा है और किसमें नहीं। जिसमें नहीं रुक रहा है तो उसे और अच्छी बात है, और जिसमें रुक रहा है तो उसको किसी भी स्क्रू ड्राइवर से या ये ऐसी नुकीली चीज़ से आप उसको खोल लीजिए ताकि पानी ना रुके रहे। कभी कभी सूखे से तो जो प्लांट मरता है, ज़्यादा पानी होने की वजह से भी प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स मैं इसी खूबसूरत से एक जोड़ा के फ्लावर के साथ एंड करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए, हेल्पफुल साबित होगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे जल्द से जल्द आप लोगों को मिल सके। तो इसी तरह अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए, ग्रीन बनाइए, प्लांट्स लगाइए, प्लांट्स बचाइए, और बारिश के मौसम को इंजॉय करिए, ढेर सारे कटिंग लगाइए, प्लांट्स लगाइए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।